वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पार्ट 7। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यार आपने हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की सीरीज़ को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई जा रही होंगी इस सीरीज़ से, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। एक्सप्रेशन और ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं हम जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। तो चलिए समझते हैं एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक लेट सम नाम का वेरिएबल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली 10 प्लस 10। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 10 प्लस 10। तो ये जो 10 है बेसिकली, ये आपको दिख रहा है 10, ये 10 और ये 10 बेसिकली इसे कहते हैं ऑपरेंड। इन जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, इसे कहते हैं ऑपरेंड। और जो आपको प्लस की जो साइन दिख रही है ना, ये इसे कहते हैं ऑपरेटर। और इस पूरी चीज़ को एक्सप्रेशन कहते हैं। तो चलिए आपको मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूँ एक डायग्राम की हेल्प से। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं 5 प्लस 5। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नंबर होता है उसे कहते हैं हम ऑपरेंड। जो नंबर होता है हम उसे क्या कहते हैं? ऑपरेंड। और जो बीच में साइन होती है, जैसे अभी क्या है साइन प्लस की, तो हम इसे कहते हैं ऑपरेटर। और इस पूरी चीज़ को एक्सप्रेशन कहते हैं। इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होंगे कि इसे कहते हैं हम ऐसे, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो हम एक्सप्रेशन किसे कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर आर कॉल्ड एक्सप्रेशन, है ना। तो आप ये डेफिनेशन को एक बार नोट कर ले, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर आर नोन एज एक्सप्रेशन। तो हम बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, इसका आउटपुट देखिए। तो बेसिकली इसका आउटपुट आएगा 20, बहुत सिंपल है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। तो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ यार, आप लोगों के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है, और हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, देन हमारे पास होता है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो चलिए इन सभी ऑपरेटर को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है हमारे पास असाइन। तो बेसिकली इक्वल टू होता क्या है, तो हम इसको समझते हैं कोडिंग के हेल्प से। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ वेरिएबल ए, और उसमें ए इक्वल्स टू मैं 10 लिख रहा हूँ। ए इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 10। तो आप देख सकते हो बेसिकली हमने एक ए वेरिएबल बनाया, जिसमें हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? इक्वल टू। तो इस इक्वल टू को हम बोलते हैं असाइन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक ए वेरिएबल है हमारे पास ए, जिसमें हम 10 असाइन कर रहे हैं, है ना। तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू का, जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे हम क्या कहते हैं? असाइन। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, 10 को असाइन कर रहे हैं ए में। तो मुझे अगर 10 चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मुझे 10 प्रिंट कराना है तो मैं क्या प्रिंट कराऊँगा? ए को प्रिंट कराऊँगा। तो बेसिकली 10 अब किस में असाइन हो चुका है? ए में। तो हमको क्या मिलेगा? 10। तो इसे कहते हैं यार असाइन या असाइन। तो हम समझते हैं अब नेक्स्ट एडिशन। तो बेसिकली एडिशन होता क्या है, तो ये प्लस इक्वल टू, तो जब हम प्लस इक्वल टू करते हैं ना, तो मैं आपको एक और वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर बी, जिससे हम बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसको मैं ले लेता हूँ 20 20। तो बेसिकली यार ये देखिए कुछ होता है प्लस इक्वल टू, लेकिन जब हम इस तरीके से लिखेंगे ना इसको, ये देखिए प्लस इक्वल टू बी। देखिए ये जो काम ये कर रहा है ना प्लस इक्वल टू, इस तरीके से काम कर रहा है कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, बहुत सिंपल काम कर रहा है। लेकिन जब हम इस तरीके से देखते हैं ना उसका एक्सप्रेशन, तो यार हमको लगता है यार ये क्या कर रहा है, लेकिन ये सिंपली ये काम कर रहा है। मतलब ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब 10 प्लस 20 30। तो बेसिकली सिंपल 30
प्रिंट करेंगे हम, और ये बेसिकली ए और पी को प्लस कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ी आप देख सकते हो, तो ये ऐसा देखते थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न होता है, बाकी ये काम इस तरीका कर रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर आउटपुट आएगा 30, आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया 30। तो कुछ यार ये इस तरीके से काम कर रहा है, बहुत सिंपल है। और उसी तरीके से देखिए हमारे पास है माइनस इक्वल टू, बेसिकली सब्ट्रैक्शन, तो ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको हम कर दे रहे, तो मैं इसको कर देता हूँ वो भी 30, है ना। तो अब ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है, मतलब ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं सिंपली, लेकिन हम थोड़ी इस तरीके से देखते थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, बाकी काम बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली क्या करता है, ए माइनस बी कर रहा है ना। तो अभी देखिए हमको आ जाएगा 10, क्योंकि 30 में से हमने 20 को माइनस कर दिया। अब हमारे पास आता है एक आता है डिवाइड, है ना, जो हम बेसिकली यार सिंपली डिवाइड करते ना उसी तरीके से ये डिवाइड है, और उसी तरीके से डिवाइड होता है। तो बेसिकली देखिए हम यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 30 कर रहे हैं, तो देखिए 1.5 दे रहा है। इसको अभी अगर हम और अच्छे से बना ले तो देखिए हमको आ जाएगा 0.5। अगर मैं इसे कर दूँ a डिवाइड बाय 20, तो देखिए 5 × 5 यहाँ पर आ जाएगा हमको 0.25। तो इस तरीके से बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, देखिए a इक्वल टू a डिवाइड बाय b। तो a क्या कर रहा है, a डिवाइड कर रहा है b को इस तरीके से। तो बहुत सिंपल है यार, आप डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख दूँ 10, और मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 10, और मैं यहाँ पर लिख दूँ 20, तो आप देख सकते हो 0.025। तो कुछ इस तरीके से सिंपली डिवाइड करता है ये, है ना। तो ये डिवाइड ऑपरेटर हो गया हमारे पास। देन आता है हमारे पास ये, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। आप इसको बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत हमें हेल्प करेगा। तो बेसिकली इसका देखिए क्या यूज़ है, ए, और हम यहाँ पर रिमाइंडर की साइन यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी देखिए ए 20 डिवाइड बाय 10, तो हम यहाँ कर रहे हैं बेसिकली 20 डिवाइड बाय 10। तो जो ऊपर की वैल्यू बचती है ये हमें रिमाइंडर देता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 है, और मान लीजिए यहाँ पर 12 है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 × 1 कितना होगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, सॉरी मैं 11 लेता हूँ, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। लेकिन 1 ऊपर का बच रहा है, है ना, तो ये 1 क्या है, हमारा रिमाइंडर कहलाता है। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 1 बचेगा, तो 1 हमारा रिमाइंडर कहलाता है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, देखिए 10, तो बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू बड़ी कर लेता हूँ, इसको बेसिकली मैं कर लेता हूँ 30। ये देखिए हमें 10 बेसिकली रिमाइंडर दे रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ 50, इन्हें हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको, ये हम इक्वल टू ए रिमाइंडर बी, तो ये रिमाइंडर निकालेंगे बेसिकली ए रिमाइंडर बी। देखिए अभी मैं इसको कर दूँ 12, तो हमको 12 रिमाइंडर, तो मतलब जो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। देखिए 12 कैसे क्या बच रहा है, 21 × 20, 22 × 40, 22 × 40 हो गया। लेकिन हम जो ऊपर का 12 है वो रिमाइंडर है, तो जो ऊपर की डिवाइड किए हमने, डिवाइड करने के बाद जो ऊपर की वैल्यू बच जाती है वो रिमाइंडर कहलाती है, और हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर कहलाती है, और उस रिमाइंडर को ये प्रिंट करता है, है ना। देन हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो बेसिकली यार एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है कि हमें ना पावर देता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमको 2 की पावर 4 मतलब कैसा होता है कि 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 = 4, मतलब 4 × 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, उसे बोलते हैं पावर। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ होता है, देखिए ये जो मल्टीप्लाई की साइन होती है हमें इसको डबल लगाना पड़ती है, तो ए की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा हमारा 16, है ना।
मैं इसको काट देता हूँ और आप देखिए अभी आंसर हमारा क्या है 16। तो बेसिकली हमें ना ये पावर फाइंड करके देता है। अगर मैं ऐसे कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर 5, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा अब 32। तो ये बेसिकली हमको पावर फाइंड करके देता है। और ये तो देखिए देखिए सिंपल वे में आपको समझ में आ रहा है, तो हम इसको जो कॉम्प्लेक्स वे में यूज़ करते हैं बेसिकली इस तरीके से, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये भी हमें वही आउटपुट देगा 32। तो बहुत सिंपल है, बस ये ऑपरेटर है ना सिंपल है, आपको थोड़ा एक बार इस पर प्रैक्टिस करना है, बाकी सिंपल है। जब हम इनको देखते हैं इस तरीके से तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बाकी ये बहुत ही सिंपल है कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमने देखा बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, अब हम चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली ए, और जिसमें दे रहा हूँ मैं 10। तो आप देख सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसमें हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हम आपने देखा कि हमने देख लिया एडिशन, हमने देख लिया इस तरीके से एडिशन, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको करके बता देता हूँ। तो हम जो एडिशन है मतलब प्लस से हम एडिशन कर सकते हैं, तो हमने क्या किया 10 + 10 = 20। हम माइनस कर सकते हैं बेसिकली, देखिए मैं 10 - 10 कर दूँ तो क्या आएगा 0, माइनस कर सकते हैं हम 0 आ गया। अगर मैं इसको 11 कर दूँ तो 1 आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो हमने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, अब हम इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई वाला सेक्शन भी, बहुत सिंपल है ये 10 × 2, ये आ जाएगा हमारा 22। देन हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, आपने जैसे देखा कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, तो 4 की पावर 2 बेसिकली ये पावर निकालता है, अभी अभी हमने देखा ये पावर निकाल के देता है। देन डिवाइड, हमने देखा कि डिवाइड करके देता है, डिवाइड ऑपरेटर ये हमें डिवाइड करके आंसर देता है 4/2। देन हमने देखा मॉड्यूलो, बेसिकली मॉड्यूलो मतलब ये हमें रिमाइंडर निकाल के देता है, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर देंगे तो मान लीजिए 5। तो देखिए हमें यहाँ पर रिमाइंडर, जब मैं लिखूँगा 5 तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 2 × 2 = 4। अब 1 बच जा रहा है, जो चीज़ बच जाती है वो रिमाइंडर कहलाती है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो यार देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर बहुत अच्छा है और इसको आप अच्छे से समझें। तो बेसिकली देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा a = 5 और मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ a++, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इंक्रीमेंट कर रहा हूँ a में। अब बताइए आप आउटपुट क्या आएगा, तो बेसिकली इसका आउटपुट इस तरीके से आता है a = a+1, मतलब क्या आया ना इसका आउटपुट क्या आएगा अभी 5+1, मतलब इसका आउटपुट 6 आएगा कुछ इस तरीके से, देखिए a+1। तो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहते हैं, प्लस वन करते जाते हैं, है ना। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि वो प्लस वन करता है। इसे हम सेव करेंगे तो देखिए 6 मिलेगा हमें, 6 मिल रहा है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सेम ही है, ये क्या करता है 1 माइनस करता है, तो हमें यहाँ मिलेगा 4। और आप इसे ऐसा लिखे आगे लिखे, या बेसिकली जो ए है इसके आगे लिखे या इसके पहले लिख दे, ये वर्क सेम करेगा, है ना, ये वर्क सेम करेगा। ये देखिए वर्क दोनों सेम करते, भले आप आगे लिखो या पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल थे। देन अब हम चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। तो बेसिकली देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर एक लेट ए वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 10, और एक और मैं ले लूँगा लेट बी इक्वल्स टू 20। तो देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहला आता है इक्वल टू, तो हम इसको चेक करते हैं। तो बेसिकली इक्वल टू किस तरीके से काम करते हो, इक्वल टू का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ये कंपैरिजन ऑपरेटर का बहुत यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन में, लूप्स में, तो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली इसका ये काम है इक्वल टू का, ये चेक करते हैं कि क्या a इक्वल है b के, मतलब क्या 10 इक्वल है b के, मतलब 10 इक्वल है b के, मतलब 20 के, तो ये नहीं यार, तो ये हमें देता है फॉल्स वैल्यू। कैसे देता है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर रहते हैं ना ये वैल्यू देते हैं हमें ट्रू या फॉल्स में। अगर मान लीजिए कंडीशन सही रहती है तो हमें ट्रू देगा आंसर, अगर कंडीशन गलत है तो हमें फॉल्स देगा। तो आप देख सकते हैं अभी कंडीशन गलत है तो हमें देगा अभी फॉल्स, देखिए फॉल्स आ गया आंसर। अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो मुझे देखिए
ट्रू आ जाएगा आंसर इस तरीके से। अब हम समझते हैं नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू क्या है यार, इस इक्वलिटी का बिल्कुल उल्टा है ना। अभी हम क्या चेक कर रहे थे कि भाई अगर इक्वल है तो वो आंसर देगा ट्रू, अगर इक्वल नहीं है तो आंसर देगा फॉल। अब हम क्या चेक कर रहे हैं बेसिकली, क्या इक्वल नहीं है। अब ये कंडीशन क्या है कि नॉट इक्वल टू, अब हम ये कंडीशन में बोल रहे हैं क्या ए इक्वल नहीं है बी के, तो ये कंडीशन अगर होंगी तो ये ट्रू देगा, अगर इक्वल हो जाता है तो ये फॉल्स देगा। तो अभी देखिए, अभी बेसिकली क्या है इक्वल है, अभी ये क्या है इक्वल है तो हमें फॉल्स देगा, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा है इक्वल टू के। अगर मान लीजिए मैं इसको कर दूँ 10, तो अभी क्या है ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन कह रही है कि ए नॉट इक्वल टू बी, कंडीशन ये कह रही, तो हाँ भाई इसकी कंडीशन सही हो रही है अभी, तो हमें ट्रू देगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। देन हमारे पास आता है ट्रिपल इक्वल टू। तो बेसिकली ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू ना दो चीज़ें चेक करते हैं। वो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इक्वल है क्या, मतलब ये मान लीजिए ए इक्वल टू बी, क्या मतलब 10 इक्वल है 20 के। और दूसरी चीज़ वो चेक करते हैं क्या उसका टाइप, मतलब उसका डेटा टाइप इक्वल है कि नहीं, ये दो चीज़ें चेक करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये देखिए अभी देखिए क्या वो चेक करेगा कि भाई 10 इक्वल है क्या 20 के, तो नहीं है, लेकिन क्या उसका डेटा टाइप इक्वल है, क्या उसका डेटा टाइप इक्वल है, नहीं। तो ये दोनों कंडीशन चेक करता है, अगर दोनों कंडीशन सही रही तो ये हमें ट्रू देता है। तो मान लीजिए अभी देखो, अभी क्या हुआ कि जो डेटा टाइप है इसका डेटा टाइप भी क्या है नंबर, इसका डेटा टाइप भी नंबर है, इसका डेटा टाइप भी नंबर है और इसका डेटा टाइप भी नंबर है। तो ये दोनों चीज़ तो सही रही, लेकिन ए इक्वल नहीं है बी के, मतलब 10 इक्वल नहीं है 20 के, तो इसलिए हमने फॉल्स दे दिया। अगर हम इसे भी 20 कर दें तो जब हमें क्या देगा ट्रू देगा। अगर मान लीजिए इसका हम डेटा टाइप चेंज कर दें, अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, तो अब हमें फॉल्स देगा। तो कुछ इस तरीके से दो कंडीशन को चेक करता है। और ये जो नॉट नॉट डबल इक्वल टू है, ये बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जैसे ये इक्वल टू का नॉट इक्वल टू उल्टा था, ट्रिपल इक्वल टू का नॉट डबल इक्वल टू उल्टा होता है। तो बेसिकली देखिए चेक करेगा कि ये नॉट इक्वल इक्वल है क्या। तो ये क्या चेक करेंगे कि नॉट इक्वल इक्वल है क्या, अभी बेसिकली क्या चेक करेंगे कि नॉट इक्वल है क्या। तो बेसिकली ये चेक करेगा कि ये ए मतलब 10 नहीं इक्वल है क्या 20 के, तो ये बात सही है, उसकी कंडीशन यहाँ क्या हो रही है ट्रू हो, सही हो रही है। और इनका जो डेटा टाइप है वो क्या, भले इनका डेटा टाइप सेम है लेकिन एक कंडीशन क्या हो रही है गलत हो रही है, तो हमको फॉल्स ही देगा, सॉरी ट्रू देगा, क्योंकि यार इक्वल नहीं है, है ना, ये इक्वल नहीं है, सॉरी ये इक्वल नहीं है। तो हमें इस तरीके से कंडीशन देता है। अगर मान लीजिए हमने इसको इक्वल कर दिया तो हमें क्या देगा फॉल्स, और अगर मैंने इसको इसको स्ट्रिंग में डाल दिया तो ये देखिए ये अब हमें ट्रू देगा। क्यों ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि यार वो क्या बोल रहा है कि ए नहीं इक्वल है बी के, तो ए नहीं इक्वल है बी के, साथ साथ क्योंकि इसका डेटा टाइप भी अलग है और नंबर भी अलग हो गया इस तरीके से। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन के बारे में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मैं हटा लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ 10। तो ग्रेटर देन यार बहुत सिंपल है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या ए बड़ा है बी से, मतलब क्या 10 बड़ा है 20 से। तो अभी देखिए 10 बड़ा नहीं है तो हमें देगा फॉल्स, अभी हमें क्या देंगे फॉल्स। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30, क्योंकि 30 अब बड़ा है तो हमें देगा ट्रू। और उसी तरीके से लेस देन काम करता है, क्या ए छोटा है 20 से, तो अभी ए छोटा नहीं है 20 से, तो ये फॉल्स देगा हमें। अगर मैं इसको कर दूँ 0 तो अभी देगा हमें ट्रू। कुछ इस तरीके से काम करता है। देन आता है हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू। तो देखिए ग्रेटर इक्वल टू कैसा काम करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू देखिए, जैसे अभी क्या है ए ग्रेटर है बी से, क्या नहीं, तो नहीं। मान लीजिए मैं इसको 30 कर देता हूँ आपको बताने के लिए, क्या ए इक्वल है 20 से, मतलब ए क्या इक्वल है और बड़ा है 20 से, मतलब 30। तो देखिए हम इसको सेव करते तो हमें आ रही कंडीशन ट्रू। क्यों, क्योंकि जो 30 है वो बड़ा है 20 से और साथ साथ वो इक्वल भी है, मतलब उसका जो डेटा टाइप है। और लेस देन भी उसी तरीके से काम करता है, देखिए लेस देन, तो जो बेसिकली 30 है क्या वो छोटा है 20 से, नहीं, तो अभी हमको दे गए फॉल्स, अभी हमको दे रहा है फॉल्स, क्योंकि यार ये छोटा नहीं, लेस देन नहीं है।
देन आप देखिए यार, हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर यार बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो लेस देन इक्वल टू, आप इसके ऊपर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देन हम देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, तो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। और बेसिकली हम यहाँ पर एक क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल, जिसमें मैं देता हूँ एक वैल्यू 10, और सॉरी इसको हम दे देते हैं, और एक और ले लेते हैं हम वैल्यू बी इक्वल्स टू 20। और बेसिकली देखिए यहाँ पर आता है पिक्चर में एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, इफ़ बोथ कंडीशन ट्रू देन इट गिव ट्रू, अदरवाइज इट गिव फॉल्स। अगर दोनों ही कंडीशन क्या बोलता है, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू रही तो ये क्या देता है ट्रू, नहीं तो क्या देता है फॉल्स। तो देखिए हम इसको बनाता हूँ मैं इसकी दोनों कंडीशन, और इसके अंदर हम ग्रेटर इक्वल टू का भी यूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली देखिए ए छोटा है बी से, एक कंडीशन ये हो गई और हम लगाएंगे बीच में एंड ऑपरेटर, और बी बड़ा है ए से, तब देखिए क्या 10 छोटा है 20 से, हाँ भाई छोटा है, और 20 बड़ा है 10 से, हाँ भाई छोटा है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर क्या है सही है, तो हमें देगा ट्रू, है ना। अगर एक भी कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाती है तो हमें फॉल्स दे देता है। इसने क्या कहा, डेफिनेशन मैंने लिखी है कि जब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू रहती है तभी ट्रू देता है, अगर एक भी कंडीशन गलत है फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स दे देता है। अब और ऑपरेटर क्या करता है यार, और ऑपरेटर बोलता है कि अगर एक भी कंडीशन सही है ना तो वो ट्रू दे देगा। अगर देखिए मैं यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करूँ, यहाँ पर देखिए और ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर एक भी कंडीशन सही है, तो अभी देखिए जो 10 है वो छोटा है 20 से, लेकिन बी 20 छोटा नहीं है 10 से, तो याली कंडीशन गलत है लेकिन याली कंडीशन सही है। तो और ऑपरेटर कहते हैं एक भी कंडीशन सही रही तो मैं ट्रू दूंगा, तो ये ट्रू देगा, है ना, कुछ इस तरीके से। और अगर दोनों ही सही रही यार तो वो तो ट्रू देना ही है उसको, इस तरीके से। और अगर दोनों ही गलत हो जाएगी ना तो हमें फॉल्स देगा, फिर हमें क्या देगा, वो फॉल्स देगा, फॉल्स। फिर ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो बेसिकली देखिए हमने क्या किया, कंसोल में नॉट लगाया और ए इक्वल इक्वल टू बी, तो मतलब नॉट ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि नॉट ए इक्वल इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वल इक्वल नहीं है बी के, अगर उसकी कंडीशन ट्रू सही रही तो हमको ट्रू देगा। तो अभी देखिए उसकी जो कंडीशन है ट्रू सही है तो हमें ट्रू देगा, आप देख सकते हैं हमें ट्रू देगा। अगर मैं ऐसे कर दूं 20, तब उसकी क्या जो कंडीशन है वो गलत हो गई तो हमें फॉल्स देगा। तो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर काम करता है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम इसको कर देते हैं कमेंट, और जो हमारा लास्ट है बेसिकली कॉन्केटिनेशन या स्ट्रिंग ऑपरेटर, इसको समझते हैं। तो कॉन्केटिनेशन का हम इस्तेमाल करते हैं दो स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए, हम दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैं बनाता हूँ एक नेम वेरिएबल, और जिसमें मैं लिख रहा हूँ जावा, और हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं, ये हमने कॉन्केटिनेशन का, प्लस को कॉन्केटिनेशन कहा जाता है, जो ये प्लस है ना इसको कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जावा को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट के साथ। तो देखिए अभी हमको आउटपुट क्या आएगा, बेसिक और सिंपल है, आपको ही पता होगा, हमको सिंपली जावास्क्रिप्ट एक दोनों मर्ज होके लिखाएगा। तो कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, है ना। तो मैंने इसको सेव किया, हमें लिखाया जावास्क्रिप्ट। तो ये था यार आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में समझाया, और मैंने हर एक ऑपरेटर आपको एक्सप्लेन किया थ्योरी के साथ भी और प्रैक्टिकल के साथ भी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी, और यार आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में यार शेयर करें जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।